हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ की पोएम नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है फायर एंड आइस। पिछले वीडियो में हमने डस्ट ऑफ स्नो की थी और वो पोएम भी जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी। यह पोएम भी जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। और जो फायर एंड आइस है, ये एक हाईली सिम्बॉलिक पोएम है, एक प्रतीकात्मक कविता है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। हाईली सिंबॉलिक पोएम का मतलब होता है एक अति प्रतीकात्मक कविता। द पोएम इज ए मेडिटेशन अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। यह कविता इस विषय में चिंतन है कि संसार का अंत कैसे होगा। यह कविता जो है एक मेडिटेशन है कि कैसे संसार का जो है अंत होगा। The poet says that the fire of lusts and endless desires and eyes of hatred among human beings will put this world to an end. कवि कहता है कि आकांक्षाओं और असीम इच्छाओं की अग्नि तथा एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य से घृणा रूपी बर्फ इस संसार को एक दिन नष्ट कर देगी। तो यहाँ पर आपको ये मानना है कि फायर कौन सा है, लस्ट्स का और एंडलेस डिजायर्स का। तो फायर की अगर हम बात करें तो फायर है यहाँ पर फायर ऑफ लस्ट्स एंड एंडलेस डिजायर्स, और आइस है वो आइस ऑफ हेट्रेड है, यानी नफरत की बात करेंगे हम, हेट्रेड की, घृणा की बात करेंगे। तो आइस ऑफ हेट्रेड जो है वो घृणा रूपी बर्फ़ है जो कि एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य के प्रति है। तो ये चीज़ें जो हैं एक दिन संसार का जो है अंत कर देंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ कहते हैं कि संसार का अंत जो है अग्नि में होगा, सम से इन आइस। कुछ कहते हैं कि बर्फ में होना है, तो कुछ कहते हैं कि दुनिया का अंत आग में होना है, कुछ कहते हैं कि बर्फ में होना है। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इच्छा के बारे में जो मैं कुछ जानता हूँ, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर का मीनिंग होता है इच्छा के बारे में मैं जो कुछ जानता हूँ, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, उससे मैं उन लोगों के साथ हूँ जो आग का पक्ष लेते हैं। फेवर का मतलब होता है पक्ष लेना, फेवर का मीनिंग पक्ष लेना, और फायर का मतलब जो है यहाँ पर आग है। तो लास्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ लाइन जो है ये फिर कर लेते हैं। From what I have tasted of desires, I hold with those who favor fire. इच्छा के बारे में मैं जो कुछ जानता हूँ, उससे मैं उन लोगों के साथ हूँ जो आग का पक्ष लेते हैं। तो इस कविता के माध्यम से जो है कवि जो है वो मानवता को जागरूक करना चाहता है कि एक दिन मानव के कुकृत्यों के द्वारा यह संसार जो है समाप्त हो जाएगा। कवि कहता है कि आग और बर्फ दोनों विध्वंसात्मक है। कवि का मानना है कि आग और बर्फ जो हैं वो दोनों ही विध्वंसात्मक हैं। उग्र इच्छाओं की ज्वाला संसार को नष्ट कर देगी। उग्र इच्छाओं की जो ज्वाला है वो संसार को जो है नष्ट कर देगी। आगे देखें, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसने दो बार नष्ट होना है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस का मीनिंग होता है
लेकिन अगर इसने दो बार नष्ट होना है, आई थिंक आई नो इनाफ ऑफ इट, तो मैं समझता हूँ कि मैं नफ़रत के बारे में इतना जानता हूँ कि संसार के विनाश के लिए बर्फ ही काफ़ी है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इसे जो है दो बार नष्ट होना है, आई थिंक आई नो इनाफ ऑफ इट, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे घृणा के बारे में काफ़ी पता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, टू से दैट यह कहना कि तबाही के लिए, कि बर्बादी के लिए, विनाश के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट, आइस जो है बर्फ है वो इज काफ़ी है, एंड वुड सफाइस बी सफिशेंट, सफाइस का मतलब बी सफिशेंट, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, टू से यह कहना कि भाई तबाही के लिए, विनाश के लिए आइस भी एक बड़ी चीज़ है, बर्फ भी जो है बड़ी चीज़ है, और एंड वुड सफाइस, और वो भी जो है काफ़ी है, सफिशेंट है। तो यहाँ पर जो पेरिस मीनिंग आया था उसका मतलब होता है डाई, नष्ट होना, और डिस्ट्रक्शन का मीनिंग विनाश, और सफाइस का मतलब पर्याप्त, बी सफिशेंट। तो ये आपकी जो पोएम है फायर एंड आइस, इसके जो लास्ट की तीन चार लाइन है उसको फिर देख लेते हैं। यदि संसार को दो बार नष्ट होना पड़ा तो यह आदमी आदमी के बीच में पाई जाने वाली नफ़रत के कारण समाप्त हो जाएगा। अभी हमने हेट के बारे में पढ़ा, तो ये बर्फ रूपी जो है हेट्रेड है। अभी हमने इसके बारे में जो जाना कि घृणा रूपी जो बर्फ है, तो यहाँ पर आइस ऑफ हेट्रेड है, और हमने पढ़ा फायर के बारे में भी, फायर है लस्ट का और एंडलेस डिजायर्स का, आइस ऑफ हेट्रेड है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आइस ऑफ हेट्रेड की, जो फर्स्ट एंजा में हमने बात की थी फायर ऑफ लस्ट और एंडलेस डिजायर्स की। तो बर्फ को घृणा के प्रतीक के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो इस कविता में जो है सेकंड स्टैंजा में जो है बर्फ को घृणा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आइस हैज बीन प्रेजेंटेड एज ए सिंबल ऑफ हेट्रेड। तो आपको बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यह जो कविता है इस विषय में एक चिंतन है कि संसार का अंत कैसे होगा। कवि कहता है कि आकांक्षाओं और असीम इच्छाओं की अग्नि तथा एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य से घृणा रूपी बर्फ इस संसार को एक दिन नष्ट कर देगी। तो आई होप आपको जो है ये पोएम समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।